नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिल्पा गुप्ता। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के मंत्रियों का अहंकार अब सर चढ़कर बोलने लगा है। बता दें कि इसी सप्ताह में कमलनाथ सरकार के मंत्रियों का ये तीसरा वीडियो सामने आया है। पहले वीडियो में उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी देवास में भाजपा के सांसद को जिला योजना समिति की बैठक से बाहर निकालने की धमकी दे रहे थे। कॉलेज प्रेसिडेंट साहब यहाँ पे किसी ने आगे यहाँ बिठाई दिया ऐसा यहाँ पे ये क्या तरीका है आपका? क्या बोल रहे हैं? बताओ आप बोल क्या रहे हैं? बाहर कर सकता हूँ सांसद है तो आप देवास की जनता की आवाज उठाने के लिए बैठा हुआ है। तो वहीं दूसरा वीडियो हरदा का था, जहां प्रभारी मंत्री पीसी शर्मा ने किसान कांग्रेस महासचिव शैलेंद्र वर्मा को पुलिस के हवाले कर दिया। नहीं सर, ऐसे नहीं चिल्लाओगे आप। नहीं, ये कौन सी बात होती है? कौन सी बात होती है? लगाम बात है सर, ये बिल्कुल अन्याय है सर। ये नहीं सर, बिल्कुल अन्याय है सर। सर बिल्कुल अन्याय है सर। नहीं सर, बिल्कुल अन्याय है सर। ये नहीं सर, नहीं बिल्कुल अन्याय लोगों ने किया। क्या हो रहा है आपके साथ? जी हाँ, मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए 20 जनवरी को उस वक्त अजीबोगरीब स्थिति खड़ी हो गई, जब किसान कांग्रेस के नेता शैलेंद्र वर्मा ने कुछ फोटो दिखाते हुए पीसी शर्मा से कहा, हम लोग निवेदन कर करके परेशान हो गए हैं, आप लोगों के गुंडे हमारी पिटाई कर रहे हैं। इसी दौरान मंत्री भड़क गए और डांटते हुए बोले, भगाओ इसको यहाँ से। जी हाँ, ये तीसरा वीडियो जो सामने आया है अब वो कांग्रेस की मानसिकता को दिखाता है कि कोई कैसे किसी महिला के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है। जी हाँ, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जहाँ सभी के दिलों का दर्द हाल लेने लोगों के घरों तक पहुंच जाती है, शायद ही उन्होंने इस महिला के जख्म देखे होंगे, शायद ही उन्होंने इस महिला से बात की होगी। दरअसल मध्य प्रदेश के रीवा जिले के दौरे पर आए ग्रामीण व पंचायत विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल विवादों में घिर गए हैं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक महिला कर्मचारी को धक्का देते हुए नजर आ रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने महिला की फरियाद सुनने से भी इनकार कर दिया। वो मंत्री पटेल के पैरों पर गिर कर गुहार लगाती रही। सफाई कर्मी महिला की बात को अनसुना कर मंत्री ने साफ कह दिया, यहाँ नाटक नौटंकी मत करो। ताजा वीडियो रीवा का बताया जा रहा है। यहाँ एक आलिशान होटल में पत्रकार वार्ता चल रही थी। मध्य प्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल पत्रकारों को संबोधित करने वाले थे। पूरी मीडिया के बीच एक महिला अपनी गुहार लेकर मंत्री के पास आ पहुंची। मंत्री ने उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। आप भी देखिए ये वायरल वीडियो। बता दें, इस वीडियो को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस के नेता सत्ता के नशे में चूर है। इन्हें जिन नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए चुना गया है, अब उन्हीं नागरिकों के आंसू भी दिखाई देने बंद हो गए हैं। गरीबों के ये आंसू इन्हें ले डूबेंगे। दरअसल नगर निगम की सफाई कर्मी मुन्नी पटेल का कहना था कि उसे एक माह से वेतन नहीं मिला है, वो मंत्री जी से वेतन दिलाने की मांग करके आई थी। जब मंत्री ने महिला को झिड़क दिया तो उनके आंसू निकल गए। इस पर मंत्री ने कहा कि रोना गाना बंद करें, नाटक नौटंकी यहाँ नहीं चलने वाली। अभी मैं पत्रकार वार्ता करने आया हूँ, बाद में बात करूंगा। इस मामले में कमलेश्वर पटेल ने पार्षद नम्रता सिंह पर पूरी घटना को प्लान करने का आरोप लगा दिया। इसके साथ ही मौके पर मौजूद रीवा कलेक्टर वसंत कुरे ने कहा कि योजना के तहत उक्त महिला मंत्री तक पहुंची है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें वीके न्यूज़। शुक्रिया।